मध्य प्रदेश में दो स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा को भोपाल आकर शो करने का न्योता दिया, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता विफर गए हैं और दिग्विजय सिंह पर देवी देवताओं पर भद्दी टिप्पणी करने वाले कॉमेडियन के साथ हिंदू आस्था को चोट करने का इल्जाम लगाया। दिग्विजय सिंह जी को अगर कॉमेडी करानी है तो जो आलू से सोना बनाते हैं उन्हें बुला लें, जो छाती में छुरा पीट से भोंकते हैं उनको बुला लें, जो पूंजीपति को पूंजापति बोलते हैं उन्हें बुला लें। मध्य प्रदेश में कोई भी हमारे देवताओं का अपमान करने वाला शो होगा तो उसका स्थान जेल में ही होगा। किसी कीमत पर किसी की भी भावनाओं के साथ खेलने की किसी को अनुमति नहीं होगी। अब आप दिग्विजय सिंह से और क्या अपेक्षा करेंगे? दिग्विजय सिंह तो हर समय इस देश के विरोधियों को आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते ही रहे हैं, चाहे अपने वक्तव्य के मामले में हो या अपनी सोच के मामले में हो। जो जो इस देश में विघटन की बात करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी संरक्षण देंगे। जो जो इस देश को तोड़ने की और इस देश की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी गले लगाएंगे। आतंकवादी हो या देश को की एकता अखंडता पर कुठाराघात करने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो दिग्विजय सिंह जी के लिए हीरो होगा। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ और अपेक्षा करना भी शायद गलत होगा। दिग्विजय सिंह जी को अगर पागलपंथी का दौर चढ़ा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट कर ले। दिग्विजय सिंह तो कल पाकिस्तान के आतंकवादियों को बुलाकर घर के निमंत्रण पर बिरयानी खिलाना चाहते हैं। क्या हम पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में आके आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की अनुमति देंगे? दिग्विजय सिंह जी आप पगला गए, राहुल गांधी जी पगला गए या पूरी कांग्रेस पगला गई? ये हिंदू और हिंदुत्व और राम को काल्पनिक बताकर क्या कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? क्या आप जो है मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा को बुलाकर राम और सीता का अपमान कराना चाहते हैं? और हिंदुस्तान ये अपमान बर्दाश्त कर लेगा? हमने औरंगजेब से भी लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने बाबर से भी लड़ी है, हमने हुमायूं से भी लड़ी है, हमने अकबर से भी लड़ी है। और दिग्विजय सिंह तुम जैसे लोग हिंदुस्तान में जो नए जिन्ना के रूप में अवतरित हो रहे हो, जो हिंदू मुसलमान के बीच में रोज खाई डालने का काम कर रहे हो, रोज आग लगाने का काम कर रहे हो, अरे मजाक तो तुम्हारा देश उड़ा ही चुका है और मजाक के पात्र तुम बन ही चुके हो। फिर भी दिग्विजय सिंह जी मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सुधर जाओ, संभल जाओ। राम का अपमान करोगे तो ये देश तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान में देवी देवताओं का अपमान किया तो मध्य प्रदेश तो छोड़ किसी भी प्रदेश में तुम्हारा शो नहीं होगा। देशभक्त उठेंगे, अपने देवी देवताओं का सम्मान